पितृपक्ष में घर की महिलाएं भूल कर भी ना करें ये छह काम, वरना नाराज हो जाएंगे आपके पितर। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इन दिनों में अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में घर की महिलाओं को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं महिलाओं को श्राद्ध के दौरान किन छह कार्यों को करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष 15 दिन तक चलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए काफी अच्छा रहता है। भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर पूर्णिमा तिथि के दिन से हो रहा है और 14 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। इस दौरान घर की महिलाओं को कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, वरना आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें क्या न करें। पितृपक्ष में महिलाएं रखें इन छह बातों का खास ख्याल। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण की दिशा की तरफ करके घर के बाहर रखें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वो अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद न करें। महिलाएं कोशिश करें कि वो अपने परिवार में तालमेल बना कर रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध तर्पण का खाना न बनाएं। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं, या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य साफ सफाई का काम न करें। पितृपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं उसमें से एक हिस्सा पहले ही निकालकर पितरों के नाम से गाय को जरूर खिला दें। ऐसा आपको हर तिथि पर करना जरूरी है। जिस दिन पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो उस दिन पितरों की पसंद का खाना ही बनाएं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।